भगवान पीता रात्रौ शरदो पुल्ल मल्लिका भिक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। मायापति श्याम जी के बंसी के धुन से सभी गोपियां घर छोड़ के परिवार छोड़ के घर बार छोड़ के भग भग करके आने लगी। बहुत सारी गोपियां हुई सभी गोपियों के साथ भगवान पहले इनका अहंकार चूर किए हैं और अहंकार चूर करने के बाद एक एक रूप बना के भगवान गोपियों के साथ बहुत सुंदर रास किए। रास का शुद्ध अर्थ होता है रसो वय सह रास। रस रूपी श्याम सागर में जीव का डूब जाना रास है। आत्म का परमात्मा से तदात्म होना रास है। श्रीमद् भागवत जी में चार जगह रास हुआ है। पहली बार वेणु गीत के माध्यम से कुंवारी गोपियों के साथ इनके हृदय में प्रकट होना श्याम का। दूसरी बार ब्राह्मण पत्नियों के ऊपर कृपा करके सधवा गोपियों के साथ यज्ञ पत्नियों के ऊपर कृपा करके। तीसरी बार गोवर्धन पूजा के समय वृद्ध माताओं के साथ इनका रास। अब ये जो रास होने जा रहा है ना ये महारास है। इसमें कुंवारी भी है सधवा भी है विधवा भी है और माताएं भी हैं। हर प्रकार की गोपियां हैं कोई भेद नहीं। एक एक रूप बना के प्रत्येक गोपियों के साथ एक एक श्याम जी बन गए। कभी आगे कभी पीछे कभी दाया कभी बाया इस तरह भगवान मटकने लगे। महाराज हुआ हे राधे वृषभान भूपतने हे पूर्ण चंद्रानने हे कांते कमनीय कोकिल रवे वृंदावन अधीश्वरी। हे वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी राधे आप जहां कहीं भी हो जल्दी से रास मंच में प्रस्तुत हो जाइए आ जाइए। हे राशेश्वरी आप नहीं तो रास में रस कैसे आए। राधे आप जहां कहीं भी हैं जल्दी आ जाइए जल्दी आ जाइए। भगवान विकल होकर राधा रानी को आवाज लगाने लगे। बिना राधा के रास में रस नहीं आएगा। भगवान ब्रज की अधीश्वरी देवी अधिष्ठात्री देवी राशेश्वरी राधा जी को बुलाए हैं। राधा जी के साथ एक रूप से परमात्मा जी विराज मार रहे हैं और सभी गोपियों के साथ परछाई बन के भगवान चिपक गए। महारास हुआ। कैसे हुआ महारास भजन के भाव से समझ पाएंगे। इतना शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं बोल पाऊं। महारास के भाव को विशाल है अगाध है।